राधे राधे, कैसे हो? स्वागत है मेरे चैनल में आपका। और मैं आज बनाने जा रही हूँ पानी पूरी फायर वाली। चाहे गोलगप्पे कह लो, चाहे पानी पूरी कह लो, चाहे पानी का बतासा कह लो, चाहे पड़ाके कह लो, कहीं कुछ भी बोलते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं। और आज मैं बना रही फायर के। आइए मिक्स। गोलगप्पे बनाने के लिए सबसे पहले आटे की ज़रूरत पड़ती है। ये आटा लिया है मैंने, पौना कटोरी इसको छान लिया है मैंने। मेरा पौन कटोरी आटा है और आधा कटोरी सूजी है। आटा ज़्यादा है, सूजी की मात्रा थोड़ी कम है, ये इसमें मिक्स कर दिए। और इसमें एक चुटकी डालेंगे हम खाना सुखाने वाला सोडा। ना इसमें नमक डालेंगे और ना ही इसमें हम मोवन लगाएंगे। और इस एक ट्रिक और है इसकी कि जब भी आटा गूंदो, आप डो लगाओ गोलगप्पे का, तो पानी आपका गर्म होना चाहिए। आइए पानी गर्म करते हैं। एक कटोरी से कम पानी है, इसको हम गर्म करने के लिए रखते हैं। ये पानी गुनगुने से थोड़ा तेज़ गर्म हो जाए, इससे आटा गूंदेंगे। क्योंकि आटा जब इससे गूंदेंगे तो गोलगप्पे एकदम फूले फूले आएंगे। ये सबसे बड़ी ट्रिक है, जब भी आप आटे का डो लगाओ गोलगप्पे वाला, तो पानी गर्म से ही आटा गूंदना। अब हम आटे को गर्म पानी से गूंदते हैं। अब चम्मच ले लो, क्योंकि हाथ जल जाएगा, पानी गर्म है। और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालो, जितनी आपको ज़रूरत है। सूजी में पानी थोड़ी ज़्यादा मात्रा में लगता है, क्योंकि सूजी पानी अब्जॉर्ब ज़्यादा करती है। डो हल्का सा गीला लगाएं, क्योंकि पानी पिएगी सूजी तो डो टाइट हो जाएगा। और अधिक डो टाइट नहीं चाहिए, रोटी जैसा आटा चाहिए। अभी ठंडा हो गया है, अब हम इसको हाथ से करेंगे। अभी भी गर्म है। जब सूजी फूलेगी तो ये डो अपने आप टाइट हो जाएगा। अगर ये गीला टाइट हो जाए ज़्यादा, तो उसको पानी डाल के आप गीला भी कर सकते हैं, या फिर ज़्यादा गीला हो जाए तो थोड़ी सूजी आटा लगा के इसको टाइट भी कर सकते हैं। अभी मैं 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख रही हूँ। 10 मिनट के लिए 10 मिनट हो गए हैं। अब हम अपना डो देखते हैं। डो हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। और इसको थोड़ी देर इस तरीके से और हम करेंगे। हल्का सा तेल डाल के और इसको इस तरीके से करेंगे। और इसकी छोटी छोटी हम गोलियां बना लेंगे, दो भागों में करके इस तरीके से। इस तरीके से हम भी गोलियां बना लेंगे। जैसा आप गोलगप्पा बनाना चाहो, छोटा बड़ा, अपने हिसाब से गोलियां काट लेना। इसी तरीके से सारी गोलियां में आटे की छोटी छोटी लोइयां काट लूँगी, फिर आपको दिखा दूँगी। बना के मैंने तैयार कर ली हैं गोलियाँ, और ये करीबन 30 बनी है इतने आटे में। और आप बेलेंगे। बेलने के लिए सबसे पहले बेलन पे हमें थोड़ा सा तेल लगाना होगा, जिससे आसानी से पूरी बिल जाए, चिपके ना। हल्का सा तेल लगाएंगे। अब इसको हम बेलेंगे। जब भी आप गोलगप्पे तलो तो फुल गैस होनी चाहिए, कढ़ाई का फ्लेम एकदम तेज़, धुआं निकलता हुआ आप देख सकते हैं, साइडों से धुआं निकल रहा है। अब मैं अपने गोलगप्पे बेलती हूँ। और गोलगप्पे जब भी आप बेलो, तो सबसे पहले ये गीले कपड़े में आप रखते जाना, जिससे ये सूखे ना और गोलगप्पे फूलने में कोई दिक्कत ना आए। इस तरीके से मैं बेल के आपको दिखा रही हूँ। गोलगप्पे को हमने गीले कपड़े से ढक के रख लिया है। गीले कपड़े से इसलिए ढकते हैं कि इस पर पापड़ी ना आए और ये सूखे ना और गोलगप्पे फूलने में दिक्कत ना आए। और जब भी आप गोलगप्पे सेको, तो इसी तरीके से कढ़ाई में डालना। इसको इस तरीके से पलटना मत, ऐसे डालना, जैसे उठाओ वैसे। और इस तरीके से करते जाना फटाफट फटाफट। अब इस तरीके से कड़छी को हिलाते जाना, जिससे कि गोलगप्पा पूरा फूल जाए। जो सिक गए हैं उनको निकालते जाना।
कितने बढ़िया फूले हैं देख। जो ना फूले हैं उनकी हम पापड़ी बना देंगे। बढ़िया गोलगप्पे एकदम गोल गोल फूल रहे हैं ये दोस्तों। ये गोलगप्पे हमारे आटे और सूजी के बनकर रेडी हो गए हैं। देखिए मैं आपको फोड़ के दिखाऊंगी कितने क्रिस्पी। ये देखिए आवाज़ आ रही है कितने क्रिस्पी बने हैं और देखिए कितने फूले हुए हैं गोलगप्पे। इन गोलगप्पे को मैं फायर के गोलगप्पे बनाऊंगी। फायर वाले गोलगप्पे के लिए सबसे पहले हम उसमें स्टफिंग भरेंगे। ये दही है ये दही हम डालेंगे सब में इस तरीके से। बाद में खट्टी चटनी डालेंगे हम। अब हम डालेंगे अपनी मीठी चटनी। अब इस पे रखेंगे थोड़ा थोड़ा गुलूकंद। हम फायर वाले गोलगप्पे बनाते हैं तो गुलूकंद जरूर डालते हैं। हम अपनी भुजिया डालेंगे इस सेब की नमकीन। सब पर ऊपर से हम मिर्च डालेंगे इसमें। और डालेंगे हम नमक थोड़ा थोड़ा ज़्यादा नहीं। और लास्ट चीज़ है इसमें फायर। और फाइनल गोलगप्पे हमारे जब तैयार होंगे जब इसमें हम फायर लगाएंगे। ये हमारे फायर के लिए ये कपूर। इस कपूर को बोलते हैं भीम सैनी कपूर। और इसकी खास पहचान ये है असली की कि एक गिलास में पानी लो और उसमें ये थोड़ा सा कपूर डाल दो। अगर ये ऊपर तैर गया तब तो ये ओरिजिनल है और नीचे बैठ गया तो कपूर नकली है तो दूसरा कोई कपूर है। ये भीम सैनी कपूर प्योर होता है। और इसके लिए मैं अब फाइनल टच दूंगी गोलगप्पे के लिए। इससे हम इसमें ये भीमसैनी कपूर डालेंगे तभी फायर के गोलगप्पे बनकर तैयार होंगे। और ये कपूर को हम खा सकते हैं। भीमसैनी कपूर एक ऐसा कपूर है जो माता के भोग में भी चढ़ता है और हम भी इसको खा सकते हैं। कोई भी खा सकता है इससे कोई नुकसान नहीं है। देखिए दोस्तों ये फायर के गोलगप्पे मेरे बनकर रेडी हो गए हैं और मैं इसको ट्राई भी करूंगी। देखिए दोस्तों गिला के देख रही मुंह नहीं जलता है। देखिए दोस्तों मुंह तो नहीं जला बढ़िया लगे। दोस्तों ये फायर वाले गोलगप्पे आपने शादी पार्टी में जरूर खाए होंगे और ट्राई भी करे होंगे। और इसको बनाने में बहुत मेहनत लगी है और आपको पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबा देना। बहुत मेहनत लगी है ज़रूर दबा देना। और कमेंट में मुझे लिख के बताना कैसे लगे। और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। अपने दोस्तों को फ्रेंडों को शेयर करना। इसी तरह की रेसिपी आपको नई नई देखनी है और बढ़िया से बढ़िया बताऊंगी मैं। आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।